हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का सर्वज्ञ एकेडमी में स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर में 26 जून 2021 के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। इसके पहले के करंट अफेयर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां जाके उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। गो टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Which became the first state in the country to start a genome sequencing lab at the state level? राज्य स्तर पर जीनोम सिक्वेंसिंग की लैब शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? The right answer is option 4th, राजस्थान। राज्य स्तर पर जीनोम सिक्वेंसिंग की लैब शुरू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना। जीनोम सिक्वेंसिंग का तात्पर्य यह है कि हम वायरस के बारे में जानते हैं, इसमें जो वायरस कैसा है, उसका क्या है प्रक्रिया, वो कैसे चेंज करता है अपने आप को, उन सब चीज़ों के बारे में जीनोम सिक्वेंसिंग में पढ़ते हैं। हम राजस्थान के बारे में जान लेते हैं, राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर कौन है? कल्याण सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इट्स वेरिएबल कैटेगरी ऑफ बाई वन प्लस? वन प्लस ने हाल ही में अपनी वेरिएबल कैटेगरी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को वन प्लस ने हाल ही में अपनी वेरिएबल कैटेगरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट होटल जे लोकेटेड? दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित होटल जे किस देश में खोला गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन 3rd, चीन। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित होटल जे चीन में खोला गया। जहां तक कि हम लोग जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है, जो कि दुबई में स्थित है, और उसकी ऊंचाई 830 मीटर है, जिसका निर्माण 2010 में किया गया था। जबकि जो होटल जे है, ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत में खोला गया है, जो कि शंघाई टावर है, और इसकी ऊंचाई 632 मीटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज इंटरनेशनल नेशनल सेलर डे सेलिब्रेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन 3rd, 25 जून। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच एयरपोर्ट ऑफ इंडिया वॉज अवॉर्डेड द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल्स रोल ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड फॉर इट्स क्वालिटी सर्विसेज? हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट को उसके गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन 3rd, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उसके गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब हम कोची एयरपोर्ट कहाँ पे है, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट? कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल में स्थित है, और हम केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, तथा इनके सीएम पिनरई विजयन हैं, तथा इनके गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ रिटेंड इन द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF? हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन 1st, पाकिस्तान। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया। पाकिस्तान को FATF में वर्ष 2018 में डाला गया था। FATF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी, तथा इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में स्थित है। FATF के प्रेसिडेंट मार्कस प्लाइकर हैं, और FATF का कार्य मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकने का कार्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। S&P ग्लोबल रेटिंग नेट एस्टिमेटेड इंडियाज ग्रोथ रेट फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर। S&P ग्लोबल रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर का अनुमान कितना लगाया? द राइट आंसर इज ऑप्शन 2nd, 9.5%। S&P ग्लोबल रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर का अनुमान 9.5% लगाया। इसे
S&P ग्लोबल रेटिंग ने इसके पहले 11% इस वित्तीय वर्ष का लगाया था, परंतु COVID-19 की दूसरी लहर के कारण इसने इस दर को घटाकर 9.5% कर दिया। और S&P ग्लोबल रेटिंग कंपनी एक अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन द पैसेज नेवल एक्सरसाइज? पैसेज नेवल एक्सरसाइज में कौन से देश भाग लेंगे? द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, इंडिया एवं अमेरिका पैसेज नेवल एक्सरसाइज में भाग लेंगे। पैसेज नेवल एक्सरसाइज जून के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा। इसमें भारत एवं अमेरिका की नेवी भाग हिस्सा लेगी, जो कि इंडियन ओशियन में ये एक्सरसाइज किया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मूडीज इन्वेस्टर्स कट इंडियाज ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर 2021 बाई व्हाट परसेंट? मूडीज इन्वेस्टर ने 2021 के लिए भारत के विकास अनुमान को कितना प्रतिशत कर दिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, 9.3। मूडीज इन्वेस्टर ने भारत के विकास अनुमान को 9.3 कर दिया। इसने इसके पहले भारत के विकास अनुमान को 13.7 किया था। इसने भी COVID-19 की दूसरी लहर के कारण भारत के विकास अनुमान को घटा दिया है। इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है तथा इसकी स्थापना वर्ष 1909 में हुई थी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।